विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रामनिवास शाह के दामाद दिलीप शाह और उसके साथी पंकज को सफारी गाड़ी में शराब की खेप और भाजपा प्रचार सामग्री ले जाते गिरफ्तार करने में कोतवाली निरीक्षक सुदेश तिवारी को सफलता मिली है। ये शराब मतदाताओं को बांटी जानी थी। भाजपा प्रत्याशी रामनिवास शाह को हार का डर सता रहा है और अब वो अनैतिक हथकंडे अपना रहे हैं। इसका उदाहरण तब देखने को मिला जब उनके दामाद और उसके साथी मतदाताओं को शराब बांटने अपनी सफारी में शराब की खेप ले जा रहे थे। तभी मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने यह कामयाबी की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही एफसीपी टीम इस मामले की जांच कर रही है। इसमें हमने पकड़ी है शराब चार पेटी शराब पकड़ी है जिसमें और गाड़ी को भी जब्त किया है, टाटा सफारी गाड़ी है, उसको जब्त किया है। कितने आरोपियों को गिरफ्तार? आरोपी दो गिरफ्तार हैं जिनके नाम क्रमशः दीपक और पंकज हैं। पंकज शाह, दीपक शाह। किसके बैनर, किसके पोस्टर पर? हाँ, कुछ पोस्टर इसमें मिले हैं, हमने और शाह के पोस्टर मिले हैं जिनकी हमारी एफएसटी टीम जांच कर रही है। किसके बताओ तो।